हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं इसके निराकरण। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं तैयारी UPTET, CTET, KVS, NVS, DSSSB, HTET, RTET और ऐसे ही सभी राज्यों के TET प्रश्न पत्रों की। अगर आप भी इनकी तैयारी कर रहे हैं और आप एक लर्निंग एस्पिरेंट हैं और पढ़ने में आपको भी क्रेज है, तो चैनल सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएं। जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है उन्हें दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आपको करनी है पॉज, क्वेश्चन को मन में रीड कर लेना और फिर वीडियो को चलाना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह किस बात का संकेत है? तो भाई, ये किस बात का संकेत है जब बच्चा कार्य करके उबने लगता है? संभवतः कार्य जो है वो यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, या फिर बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो देखिए, यहाँ पे जब बच्चा किसी कार्य को लगातार करता है तो कुछ समय बाद उसकी उस काम में रुचि जो है वो खत्म हो जाती है, जिससे बच्चा जो है वो उबने लगता है। जिसका आशय क्या है? इसका आशय यही हो जाता है कि कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। तो आपका जो पहला ही ऑप्शन है यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे जो सीखने की मात्रा तथा समय है, अथवा प्रयास हम कह सकते हैं, कि परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा हम कहते हैं। और अधिगम वक्रों में कभी कभी देखा जाता है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग जो अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है, नगण्य उन्नति को हम कह सकते हैं, यानी कि न्यूट्रल को प्रदर्शित करता है। और इसी प्रकार के भाग को जो है हम अधिगम का पठार कहते हैं, यानी कि बोलते हैं ना, पठारावस्था आ चुकी है, न्यूट्रल अवस्था में आ चुके हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें फटीग आ गया है। तो अधिगम पठार बनने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अधिगमकर्ता की आवश्यकता हो सकती है, ध्यान हो सकती है, रुचि का कारण हो सकता है, उत्साह का कारण हो सकता है, वातावरणीय व्यवधान भी हो सकता है, थकान हो सकती है, मनोशारीरिक सीमा हो सकती है और ज्ञान की सीमा। ऐसे विभिन्न सारे कारण हैं जिनके कारण जो है ये पठारावस्था आ जाती है, यानी कि जो लर्निंग स्टेज है आपकी ऐसे ऐसे जाते जाते एक स्तर पर स्टेबल हो जाती है और इसी को हम जो है वो पठारावस्था कहते हैं, फटीग की अवस्था कहते हैं, जब बच्चा जो है वो वहाँ पे उसकी गति जो है पढ़ने की वो धीमी हो जाती है, या फिर लर्निंग स्टेज जो है उसकी थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है, विद्यालय का असहयोग, ये इसका कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि विद्यालय जो है वो आपको हमेशा सहयोग ही करता है, कोई असहयोग नहीं करता है। प्रेरणा की सीमा इसका कारण हो सकता है, शारीरिक सीमा भी इसका कारण बन सकता है, ज्ञान की सीमा भी इसका कारण बन सकता है, विद्यालय का असहयोग इसका कारण नहीं बन सकता है। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु के भली प्रकार सीख रहा है उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? तो सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, या फिर विषय को जो है वो स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, या फिर विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, या फिर उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए? देखिए, सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए। अब होता क्या है, इस प्रक्रिया में कभी कभी क्या है, मंदता और तीव्रता तो आती रहती है, और इसी प्रकार से जो विद्यार्थियों में सीखने की प्रक्रिया में जो स्थिरता आ जाती है, अभी हमने जैसे आपको बताया ये स्टेज जो आ जाता है, तो जो अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया है वो, अतः जो शिक्षक है इसे ही स्वाभाविक प्रक्रिया मान सकता है, तो ये स्वाभाविक स्थिति को वो मान सकता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है क्या कहलाती है? तो ये सीखने का वक्र, या सीखने का पठार, स्मृति, या अवधान? तो देखिए, सीखने की यह वह अवधि होती है जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होते रहती है, तो ये कहलाता है आपका सीखने का पठार। हम बोल सकते हैं कि यही है, जब वो पढ़ता है तो धीरे धीरे लर्निंग स्टेज पे जब बच्चा है तो कभी वो ज़्यादा पढ़ता है, कभी कम पढ़ता है, लेकिन जो है प्रोग्रेस में होते रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसकी प्रोग्रेस जो है वो एकदम से न्यूट्रल हो जाती है, नगण्य हो जाती है, धीमी हो जाती है, वो फटीग की स्टेज में आ जाता है, जिसे हम पठारावस्था कहते हैं। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।